पटना से चलेगी एक और नई ट्रेन और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे इस नई ट्रेन के बारे में। वीडियो को करें शुरू से पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार फिर रेल यात्रियों को पटना से एक नई ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा। यह ट्रेन कौन सी होगी, क्या रहेगी टाइमिंग और सबसे बड़ी बात इस ट्रेन की बुकिंग कब से चालू होगी, इसका पूरा अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले पटना जंक्शन से खुलने वाली दो अन्य जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है, जिनमें कि पटना गया रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही चल रही है। अब जो तीसरी ट्रेन चलेगी वो भी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन होगी, जिसका परिचालन पटना से किया जाना है। तीसरी पटना से यह ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 31 मार्च को चली और 31 मार्च को यह ट्रेन मुडुवाडी से खुलकर पटना जंक्शन अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पहुंची। पटना जंक्शन से यह ट्रेन शाम को वाराणसी वापस होगी। इस ट्रेन में सभी सीटें रिजर्वेशन श्रेणी के दिए गए हैं। इसमें साधारण श्रेणी के अलावे एसी चेयर कार की सीटें भी उपलब्ध हैं। स्टेशन पर ठहराव होने के साथ यह ट्रेन कम समय में अपने गंतव्य को पहुंचाएगी। IRCTC ने इस ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस रूट पर और भी नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा। कई लोकल ट्रेनें भी इस रूट पर खुलेंगी, जिससे बिहार को यूपी के लिए और भी अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा। रेलवे का मानना है कि जिन रूटों पर लगातार ट्रेनों की डिमांड बढ़ रही है, उन्हीं रूटों पर आगे भी ट्रेन चलाया जाएगा, जिनमें कि इस नई जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पटना से खोलने की बात निकल के सामने आ रही है। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए और पटना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हमें बताएं कि आपको इस ट्रेन के अपडेट और डिटेल्स के बारे में कैसा लगा जान के।